हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त परवेज मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं टेक्निकल मिर्ज़ा ग्रुप। और आज मैं आप लोग को सिखाने वाला हूं कि यूट्यूब पे जो वीडियो अपलोड की जाती है वो मोबाइल से कैसे करते हैं या लैपटॉप से कैसे करते हैं। क्योंकि देखो, आजकल जितने ज़्यादा यूट्यूबर्स होते जा रहे हैं तो सबके पास तो लैपटॉप नहीं होता है। तो मैं कहता हूँ ज़्यादा नहीं तो 90% लोग खाली मोबाइल ही यूज़ करते हैं और वो मोबाइल से ही अपना वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, एडिट करते हैं और उसके बाद मोबाइल से ही उसको अपलोड करते हैं। अब वीडियो अपलोड करने का सही तरीका क्या होता है, मैं आज आपको वो स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ। तो बिना कोई देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं मोबाइल की स्क्रीन यहाँ पे चला रहा हूँ, आप उसको देखिए अच्छे से और मैं उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि आपको क्या क्या करना चाहिए, किस तरह से वीडियो अपलोड करनी चाहिए, कहाँ से टैग्स लगाने चाहिए, कहाँ से डिस्क्रिप्शन लिखना चाहिए और दूसरा कोई ऐप को किस तरह से यूज़ करके उस पर टैग्स लगाने चाहिए आपको, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो बिना कोई देरी किए मैं चलता हूँ अपने वीडियो यूट्यूब पे। देखो, हम लोग नॉर्मली यूट्यूब खोल लिए जो कि हम आ गए होम पे। अभी यूट्यूब अगर आप देखेंगे आपका इस तरह से आपको यूट्यूब आ रहा होगा। अब अगर आप देख पा रहे होंगे जो यहाँ सेंटर में ये प्लस वाला आइकॉन आ रहा है, आपको खाली इस पर जाना है सिंपली। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे इसमें क्रिएट आ शॉर्ट है, उसके बाद अपलोड आ वीडियो है, गो लाइव है, गो लाइव टुगेदर है और क्रिएट आ पोस्ट है। अब आप सोच रहे हैं गो लाइव टुगेदर क्या है, इसके ऊपर मैंने काफ़ी दिन पहले एक वीडियो बनाया था, यूट्यूब की तरफ से अपडेट आया था कि अब हम दो लोग भी एक साथ लाइव आ सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे और मेरा कोई फ्रेंड है या कोई भी बड़ा यूट्यूबर से है, हम उसको कहीं भी, वो दुनिया में कहीं पे भी है, हम दोनों एक साथ लाइव आ सकते हैं और जितने व्यूअर्स हैं उसके सब्सक्राइबर्स हों या मेरे सब्सक्राइबर हों, सब हम लोगों से बात कर सकते हैं। तो ये तो होगी बात की बात। अभी चलते हैं अपलोड वीडियो पे। हम लोग जाते हैं यहाँ से दो नंबर पे जो है अपलोड वीडियो। अब देखो यहाँ पे आ गया है सेलेक्ट मोर फोटोज, तो हमें इसमें जो पहले से की हुई है हमें इसमें से कोई अपलोड नहीं करनी, तो हम जाएंगे सेलेक्ट मोर फोटोज पे। तो मैंने अभी एक वीडियो बनाई थी, वो वीडियो मैं अपलोड करके दिखाता हूँ आपको। जैसे मुझे ये वीडियो अपलोड करनी है, मैंने इस पे लगा दिया टिक। अब इसके बाद हम जाते हैं डन पे, ये आ गया यहाँ। अब हमें अपलोड वीडियो पे जाने के लिए इसको कर देना है ओके। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आप। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये वीडियो चल रही है और आज मैं आप लोग को बताने, अब हमें करना क्या है, इसमें दो ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। एक तो है एडिट इनटू आ शॉर्ट, अगर हमें इसको शॉर्ट इसमें से निकालना है तो हमें उस एडिट इनटू पे कर देना पड़ेगा, और हमें तो इसको लॉन्ग पे अपलोड करनी है तो उसी लिए हम लोग को लॉन्ग पे करने के लिए जाना पड़ेगा सीधा नेक्स्ट पे। अब हम आ गए नेक्स्ट पे। अब देखो यहाँ पे आ गया ये सिस्टम। अब इसमें पहले से क्या है, सबसे पहले अगर आप ऊपर देख पा रहे होंगे जो ऊपर में छोटा सा थंबनेल दिखाई दे रहा है ना, ये फोटो का लोगो बना हुआ है और उस पर हल्का सा प्लस बना हुआ है। तो हम सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं ऊपर से, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में अच्छे से आ जाए। तो अगर हम पहले जाते हैं इस पे, तो इससे हमें क्या मिलेगा, थंबनेल लगाने का ऑप्शन। तो मैंने जैसे पहले से ही थंबनेल बना के रखा हुआ है तो मैं ये थंबनेल लगा देता हूँ। सभी सावधान, 10 लाख to 50 लाख लगेगा फाइन सभी यूट्यूबर्स के ऊपर। ये एक वीडियो मैंने बनाया है जो कि मैं अपलोड कर रहा हूँ। ये मैंने यहाँ से कर दिया इसको नेक्स्ट, थंबनेल मेरा लग गया है आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद आता है ऑप्शन क्रिएट आ टाइटल टाइप टू मेंशन आ चैनल, यानी कि हम लोग को जो टाइटल लिखना है वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा टाइटल पे। अब हमने कर दिया यहाँ पे क्लिक। अब हमें टाइटल कहाँ से लाएं, तो देखो मैंने क्या है, मेरी जिस चीज से रिलेटेड वीडियो है मैंने वो टाइटल पहले से ही हिंदी और इंग्लिश में मिक्स करके लिख के रखा हुआ है अपनी नोट्स में। तो यहाँ से सिंपली मैं नोट्स पे जाऊँगा, ये नोट्स आ गई और देखो आप देख पा रहे होंगे अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, देखता हूँ ज़्यादातर हिंदी वाला नहीं हो पाता लेकिन शायद हो जाए यहाँ से। तो मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे आके कर दिया पेस्ट। अब आप देख पा रहे होंगे ये हो गए 93 वर्ड यहाँ की, यानी कि हम लोग जो टाइटल है वो 100 वर्ड का लगा सकते हैं, उससे ज़्यादा का नहीं लगा सकते। तो अभी हुए हैं मेरे 93 वर्ड्स हो गए हैं। अब मैं इसमें आगे में ये कैसे ही थोड़ा से वर्ड बढ़ाने के लिए ये मैंने लगा दिया यहाँ पे। अब इसमें है इंडियन गवर्नमेंट न्यू रूल्स ऑन यूट्यूब एंड सोशल मीडिया, तो सावधान अब गवर्नमेंट भी यूट्यूबर्स पे लगाएगी फाइन, यानी कि जुर्माना बोल दो फाइन बोल दो। तो ये तो मेरा हो गया टाइटल। अब बात करते हैं कि इससे आगे क्या लिखें, जैसे एड डिस्क्रिप्शन है नीचे में, अनलिस्टेड है, नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स है या लोकेशन है, इसमें हम लोग को क्या क्या फिलअप करना है। तो अगर हम इसके बाद चलते हैं जो हमने वहाँ से कॉपी किया है, हम चलेंगे डिस्क्रिप्शन पे, हम डिस्क्रिप्शन पे सबसे फर्स्ट में इसी को पेस्ट कर देंगे। तो जैसे आपने देखा मैंने डिस्क्रिप्शन पे इसी को पेस्ट कर दिया। अब डिस्क्रिप्शन पे हमें और क्या काम करना होता है, तो देखो
डिस्क्रिप्शन पे हमें इसके बारे में लिख देना होता है कि हम लोग किसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं। अब देखो मैं इतना लंबा नहीं लिखूंगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा सिंपली अपने YT स्टूडियो में और यहाँ जाके कंटेंट पे जाऊंगा और किसी भी एक वीडियो का, मान लीजिए मेरा एक वीडियो है, इसको मैं यहाँ से एडिट पे करूंगा और यहाँ से सिंपली इसका जो डिस्क्रिप्शन मैंने लिखा हुआ है, जैसे इसका डिस्क्रिप्शन है, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूंगा, क्योंकि इतना लंबा तो मैं नहीं लिख पाऊंगा, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा उतना लंबा लिखने में। कहाँ तक वो अपलोड इसको कॉपी करना है, जहाँ तक आपके हैशटैग्स लगे हुए हैं तो वहाँ तक ही आपको इसको खाली कॉपी करना है, ये नहीं कि आप इसके हैशटैग भी कॉपी कर लो, वो नहीं करने हैं, क्योंकि इसके हैशटैग अलग लगाने पड़ेंगे। तो जैसे ये हो गया पेस्ट, मैंने कर दिया यहाँ पे इसको पेस्ट, अब इसमें आ गया जैसे हेलो डियर व्यूअर्स, इसमें मैंने थोड़े डिटेल भर दी, फिर उसके बाद डायरेक्ट किसने किया वो भर दिया, अदर सोशल लिंक भर दिया, जैसे मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है मैंने वो डाल दिया, फिर फेसबुक का जो लिंक है मैंने वो डाल दिया। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, एक स्टेप नीचे जाना है, उसके बाद लगाएंगे हम लोग हैशटैग। ये हो गया हैशटैग। देखो हैशटैग कोई बोलता है 3 लगाने चाहिए, कोई बोलता है 4 लगाने चाहिए, और मैंने ऐसी बहुत सारी वीडियो देखी है जिन पे 10-10 हैशटैग लगे हुए हैं और वो वीडियो वायरल है, उन पे मिलियन के हिसाब से व्यूज आ रहे हैं। तो मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप 10 हैशटैग लगाओ, ठीक है 3 लगाओ 4 लगाओ हो जाएगा उतने से ही, क्योंकि वो तो एक, मान लो ये मेरी वीडियो है इससे रिलेटेड, अब मैं क्या करूंगा, फर्स्ट में जैसे इंडियन गवर्नमेंट न्यूज रूल ऑन यूट्यूब, तो मैं क्या करता हूँ, लिखने से अच्छा है टाइप करने से अच्छा, मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया और फर्स्ट वाले हैशटैग पे मैंने ये पेस्ट कर दिया। अब हैशटैग में क्या होता है कि ये हम लोग जो इसको पेस्ट करते हैं ना, ये आता है अलग अलग, मतलब इसके बीच में जो है गैप होता है। अब वो गैप खत्म करने के लिए हमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप, जैसे ऑन यूट्यूब के बीच में स्पेस है, हम लोग इसको ख़त्म कर देंगे, उसके बाद में रूल्स ऑन के बीच में है, इसको हमने ख़त्म कर दिया, फिर उसके बाद में यहाँ पे है न्यू रूल्स के बीच में, इसको ख़त्म कर दिया, फिर यहाँ पे है हमने इसको डॉट को भी ख़त्म कर दिया और हमने अब इसको भी ख़त्म कर दिया। अब ये पूरा हैशटैग एक हमारा हैशटैग बन गया है। इसके बाद हम लोग को दूसरा हैशटैग लगाना है, फिर हम लोग जाएंगे दूसरे हैशटैग पे। अब हम मैं नॉर्मली लिख देता हूँ यहाँ पे यूट्यूब या YT स्टूडियो भी करने से हो जाएगा, YT स्टूडियो ये हो गया दो हैशटैग, 3 हो गए। जैसे मैं इसको हिंदी, मैं हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ तो मैं लिखूंगा इसमें हिंदी। चौथा हो गया, मैं लगाऊंगा एक हैशटैग और, मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसका नाम लिख दूंगा, जैसे टेक्निकल मिर्ज़ा ग्रुप है। तो ये हो गए 4 हैशटैग, जबकि बहुत सारे लोग इसी चीज़ में बहुत कन्फ्यूज रहते हैं कि हम लोग को हैशटैग कितने लगाने चाहिए। अब देखो इसमें आप एक काम और कर सकते हो, ऐसा नहीं कि इतना से हो गया, आप अगर चाहो तो इसमें ये जो हमने डिस्क्रिप्शन लिखा है, आपकी जिस चीज़ से भी रिलेटेड वीडियो है उसका एक होता है ना कि आपने उसमें क्या क्या वर्ड बोला है या किस टाइम पे आपने क्या चीज़ उसमें सिखाई है, जैसे मैं डिस्क्रिप्शन सिखा रहा हूँ तो ये किस टाइम पे सिखा रहा हूँ, टाइटल सिखा रहा हूँ तो वो किस टाइम पे लिखा रहा हूँ, तो वो आप यहाँ पे एक टाइम मेंशन कर सकते हो, तो वो आप देख लेना, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, मैं तो इतना नहीं करता हूँ, मैंने इतना कर दिया, मेरा यहाँ से हो गया ये काम। अब अगर हम जाते हैं, देखो दूसरा ऑप्शन आता है, यानी कि दो हमारे 3 काम हो गए, थंबनेल्स वाला हो गया, टाइटल वाला हो गया, डिस्क्रिप्शन वाला हो गया। अगर हम जाते हैं अब चौथे नंबर पे, तो ये आता है विजिबिलिटी, यानी कि अगर हम विजिबिलिटी में जाते हैं तो इसमें ऑप्शन मिलता है हमें पब्लिक सेट एस इंस्टेंट प्राइमम, उसके बाद आता है अनलिस्टेड, फिर आता है प्राइवेट। तो ये जो 3 है, हम लोग को किसके ऊपर में क्या करके हम लोग वीडियो अपलोड करें जिससे कि हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा रैंक में जाए और लोग के पास उसको भेजा जाए, यूट्यूब उसको भेजे। तो देखो नॉर्मली क्या करना चाहिए, जब हम वीडियो अपलोड करते हैं उस टाइम पे हम लोग को जो वीडियो पे है वो अनलिस्टेड करके ही रखना चाहिए। तो मैंने अनलिस्ट किया हुआ है, अगर अभी इसके बाद हम लोग चलते हैं, ये अनलिस्टेड ओके है, उसके बाद जाते हैं नॉट इज मेड फॉर किड्स। अब अगर हम ये वाला ऑप्शन खोलते हैं तो आप देख पा रहे होंगे यस इट्स मेड फॉर किड्स पहला ऑप्शन आता है, दूसरा आता है नो इट्स नॉट। मान लीजिए आप अगर बच्चों के लिए कोई वीडियो बना रहे हैं या कार्टून बना रहे हैं और आप चाहते हैं खाली कि आपकी वीडियो बच्चे देखें, तो आपको ऊपर वाले पे करना पड़ेगा यस इट्स मेड फॉर किड्स पे। और अगर आप बच्चों के लिए वीडियो नहीं बना रहे हैं, आप बड़ों के लिए वीडियो बना रहे हैं, आपकी वीडियो से आपको उनको बड़ों को सीखने के लिए कुछ मिल रहा है, या किसी भी तरह की कॉमेडी मूवी की आप किसी भी तरह की न्यूज़ दे रहे हैं और आप खाली बड़ों के लिए आप करना चाहते हैं, तो आपको जाना पड़ेगा नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स पे, यानी कि दूसरे नंबर पे आपको क्लिक करना पड़ेगा जैसे मैंने किया हुआ है।
ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं, इसको हम ले लेते हैं बैक, तो ये हो गया कितना, थंबनेल हो गया, टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, अनलिस्टेड हो गया, ऑडियंस हो गया। लोकेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ना लोकेशन देते हैं। उसके बाद अगर हम जाते हैं एड टू प्लेलिस्ट, देखो मैंने बहुत सारी प्लेलिस्ट बनाई हुई है यहाँ पे, अगर आप देख पा रहे होंगे, न्यू वीडियो 1 2023, यानी कि ये मैंने जो इस महीने में मैं वीडियो डाल रहा हूँ जनवरी में, तो वो वीडियो मैंने इस महीने यहाँ पे डाल दी है। उसके बाद जो शॉर्ट्स हैं वो शॉर्ट में डाल देता हूँ। बाकी एक वीडियो जो बनाई है, प्लेलिस्ट बनाई है, वो ऑल वीडियो की बना दी है। एक खाली टेक्निकल वीडियोस बना दी हैं, एक न्यू वीडियो बना दी है, ब्लॉग का बना दिया, लाइव का बना दिया, इस तरह से मैंने बनाया है। तो आप कितनी प्लेलिस्ट बनाना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप प्लेलिस्ट बनाना भी चाहते हैं कि नहीं बनाना चाहते हैं वो भी, लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि आपको प्लेलिस्ट बनाना चाहिए, उससे बहुत फायदा होता है, वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। तो अभी हम लोग को इसको प्लेलिस्ट में रखना है, तो हमें 2 प्लेलिस्ट में इसको रखना है। फर्स्ट में आएगा न्यू वीडियो और सेकंड में आएगा ऑल वीडियो। उसके बाद हम कर देते हैं इसको डन, और अब हम कर देते हैं इसको अपलोड। यहाँ से वीडियो अपलोड होनी शुरू हो गई है। अगर हम अपनी वीडियो को देखना चाहते हैं तो अब हम अपनी वीडियो को यहाँ से देख सकते हैं। जैसे ये है योर वीडियो, ये वीडियो अपलोड होनी चालू हो गई है। देखो अभी 0.2% हो गया है, तो अब इतना टाइम तो है कि बहुत ज़्यादा टाइम लेगी अपलोड होने में। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, वीडियो को थोड़ी देर के लिए स्किप कर देते हैं, और बाद में आगे, सॉरी स्किप भी नहीं करते हैं, अभी मैं लेके चलता हूँ आपको सीधा सा, जो अब आगे हम लोग को इसमें काम करना है ना वीडियो में, उस पे लेके चलता हूँ। तो अब आगे हमें इसमें यहाँ से कुछ नहीं करना, अब हमें करना है अपनी YT स्टूडियो से। अब देखो यहाँ से हम लोग चले जाते हैं बेक, ये वीडियो हमारी अपलोड होने लग रही है। अब हम बेक आने के बाद में जाते हैं सीधे YT स्टूडियो में। अब जैसे हमारा ये YT स्टूडियो खुल गया है यहाँ से, और अगर अब हम यहाँ देखेंगे वो वीडियो यहाँ पे शो कर देगा। जैसे आप देख पा रहे हैं ये आ गया इंडियन गवर्नमेंट न्यू रूल्स ऑन यूट्यूब, तो अब यहाँ पे ये शो कर गया। तो अब हमें यहाँ से इसमें क्या क्या चेंज करना है, अब मैं आपको वो बता देता हूँ। ये मतलब पहले हमने जो यूट्यूब ऐप है उस पे से जो 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 काम करना था वहाँ से करके दिखाया मैंने। अब आगे वहाँ से जितना काम दिखाया था वो सब करने के बाद में, अब हमें YT स्टूडियो से क्या क्या करना होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद हम इसको पब्लिक करेंगे, इतने में वहाँ से अपलोड भी हो जाएगी। तो देखते हैं, अब हमने खोल लिया वीडियो। अब हमें सबसे पहले जाएंगे जो पेंसिल वाला आइकॉन है इसके ऊपर में, हम चले गए पेंसिल वाले आइकन पे। अब यहाँ पे जो ओपन होगा पेज, उसमें मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये सब कुछ हो गया। अब इसमें ये दो चीज़ बढ़ गई है, जैसे यहाँ तक तो पीछे भी आ रहा था नोट 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 मेड हॉट किड्स पे, तो यूट्यूब पे भी आ रहा था। अब नीचे में क्या आ गया, न्यू वीडियो, ये प्लेलिस्ट का दिखा दिया। सबसे नीचे में जो आया है मोर ऑप्शन, यानी कि टैग्स, हम लोग जाते हैं टैग्स पे। अब हम टैग्स पे क्या लगाएंगे, ये भी लोगों को कन्फ्यूज़न रहती है बहुत सारी। तो देखो टैग्स के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स भी हैं, और आप ऐसे ही भी बहुत सारी जगह से आप टैग्स लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगा। फर्स्ट में जो ये टैग्स का ऑप्शन आ रहा है, आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने फर्स्ट में वहाँ से कॉपी किया हुआ है हम उसको यहाँ पे एक बार पेस्ट कर देते हैं, यानी कि गवर्नमेंट न्यू रूल्स ऑन यूट्यूब। ये हमारा हो गया पहला टैग। अब टैग का क्या होता है, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन ये रहती है कि हम टैग कैसे लगाएं। जैसे हमने यहाँ पे ये लिख दिया, तो अब हमें क्या करना है, इसको दबा देना है, तो ये हमारा ऐसे राउंड राउंड बन जाएगा। बहुत सारे लोग को इसमें कन्फ्यूजन होती है, इसलिए वो नहीं कर पाते हैं। दूसरा, अब हमें क्या कर देना है, यहाँ पे जैसे मैं अपनी वीडियो बनाता हूँ हिंदी में, मान लो मैं आपको सिर्फ एक दो एग्जाम्पल दूंगा, बाकी फिर एक ऐप है उस पर मैं आपको ले जाकर दिखाऊंगा, वहाँ आपको ऑटोमेटिक ही वो आ जाएंगे टैग्स, और आपको खाली क्लिक कर करके वो आपकी वीडियो में लग जाएंगे। अब इसमें एक तो हम लोग लिख देते हैं, जैसे मेरे चैनल का नाम हो गया टेक्निकल मिर्ज़ा गुरु। अब अगर हम इस पे जाते हैं तो ये हो गया हमारा एक टैग, और तीसरे पे जाते हैं हम YT स्टूडियो, हम आ गए इस पे, ये हमारा हो गया 3 टैग। अब हो गया हमारा हिंदी, ये हो गया एक टैग, यानी कि हमारे हो गए अभी इसमें 4 टैग। अब हमारा जो सिस्टम है वो तो यही है सबसे पहले वाले का ही। अब अगर हम इसमें देखेंगे तो इसमें हम फर्स्ट वाला हटा के इसको कर देंगे यहाँ से, यानी कि न्यू रूल्स ऑन यूट्यूब, ये हो गया हमारा एक टैग्स। और अब इसमें हमें क्या करना है, एक और कर देंगे इसमें, इसी को सिंपल सा हो जाएगा ये, अब न्यू रूल्स ऑन यूट्यूब, इसके आगे लिख देंगे 2023।
यानी कि रूल अभी आया है तो 2023 लिख देते हैं तो हमारा एक टैग और बन गया। तो लोग क्या है इस तरह से सर्च करते हैं, तो ये सिर्फ सर्च के लिए सच में यूज आते हैं। अब अगर हम ये बाकी इससे आगे जो टैग्स हैं वो मैं आपको दूसरे ऐप पे ले जाके दिखाता हूँ अभी, लेकिन अब इससे आगे जो हमें को काम करना है वो देख लीजिए। अब इसके बाद आ रहा है नीचे कैटेगरी, यानी कि अब आपकी वीडियो किस कैटेगरी की है। जैसे आप मान लीजिए मैं यूट्यूब की वीडियो बनाता हूँ तो मेरा आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये देख लीजिए। अब इसमें बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। अब आपकी जिस चीज़ से भी जो भी कैटेगरी है वीडियो की, वो आपकी ऑटोज एंड व्हीकल्स हो सकती है, कॉमेडी हो सकती है, एजुकेशन हो सकती है, इंटरटेनमेंट, फिल्म एंड एनिमेशन, गेमिंग, हाउ टू एंड स्टाइल, म्यूजिक, न्यूज़ एंड पॉलिटिक्स, आप मतलब कि आपकी जो भी आपकी कैटेगरी है आप उसको चूज़ करें। नहीं तो आपका ऐसा ना हो कि आपकी कैटेगरी तो है कॉमेडी की और आप डाल दे रहे हैं उसको ऑटो एंड व्हीकल्स पे, तो इस तरह से वो आपकी जो है रैंक में वीडियो नहीं आएगी। अब मैंने जैसे बताया मेरी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी किया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये किया हुआ है मैंने। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, देखो जैसे यहाँ से हम लोग ये भी देख लेते हैं क्या है। जैसे मैंने आपको बताया था ना ये रिव्यू है खाली, यहाँ से अब हम जाते हैं नीचे। अगर आप देख पा रहे होंगे जो यूट्यूब का जो लाइसेंस होता है, जैसे स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस है ये आ गया, इसमें स्टैंडर्ड ही रहना देना होता है क्योंकि इसमें और भी होते हैं, लेकिन जो हम लोग वीडियो अपलोड करते हैं हमारे लिए सबसे बेस्ट होता है स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस, तो इस पे रहने देते हैं। अब यहाँ से हम चले जाते हैं बैक और इसको कर देते हैं यहाँ से सेव। अब वीडियो जो है वो सेव हो गई। अब इसके आगे क्या करना है, यानी कि हमारी बात रह गई टैग्स वाली, कि हम लोग को टैग्स कहाँ से लगाने हैं, क्योंकि टैग्स लगते हैं पूरे 500 वर्ड दिए जाते हैं टैग्स लगाने के लिए। अब हम क्या करते हैं, जैसे अभी मोनेटाइजेशन है इसका, पहले मैं इसका मोनेटाइजेशन भी ऑन कर देता हूँ। और अभी हम यहाँ गए, देखता हूँ इसका मोनेटाइजेशन, ये आ गया मोनेटाइजेशन, यहाँ से मैं इसको ऑन कर देता हूँ। पहले जैसे आप देख पा रहे होंगे मैंने सारे एड्स लगाए हुए हैं अपनी वीडियो में, ये मैंने ऑन कर दिया, इसको मैं कर देता हूँ सेव। अभी वीडियो आप देख पा रहे होंगे अनलिस्टेड ही मैंने छोड़ा हुआ है, तो आपको भी वीडियो को अभी अनलिस्ट ही रखना है, इतने आप पूरे टैग्स नहीं लगाते हैं उतने। आपने मोनेटाइजेशन ऑन कर दिया तो सेव कर देते हैं दोबारा से इसको। अभी सेव होने के बाद अब मैं लेके चलूँगा आपको जहाँ से टैग्स लगाने हैं वहाँ पे। और देखो एक ही ऐप नहीं है, बहुत सारे ऐप हैं, मैं किसी भी ऐप का आपको यहाँ पे एक होता है ना उसका प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ से अब एडिट सेव्ड हो गया मेरी वीडियो। अब हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं बाहर। अब आप जैसे देख पा रहे हो ना विड आईक्यू, मैं इससे टैग्स लगाता हूँ। अभी आप देखेंगे जैसे विड आईक्यू पे हम लोग चले गए, और यहाँ से अब ये सबसे अच्छी बात क्या है इसकी, हमें आइडियाज़ भी देता है ऐप कि हमें किस चीज़ के ऊपर में वीडियो बनानी चाहिए या ट्रेंड में क्या चल रहा है, तो वो सब बाद की बात है, बताऊँगा। देखो हमारी वीडियो यहाँ फर्स्ट में आ गई, इंडियन गवर्नमेंट न्यू रूल्स ऑन यूट्यूब, ये थंबनेल आपको दिखाई देगी। अब हमें करना क्या है, सिंपली इसमें चले जाना है। अब यहाँ से जब हम थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे, देखो हमने वहाँ से जो टैग्स लगाए थे 1 2 3 4 5 6 टैग्स आ गए। अब उसके बाद ये जो नीचे में तीन तीन आपको दिखाई देंगे ये अपने आप ही हम लोग को सजेस्ट कर रहा है, यानी कि रिकमेंड कर रहा है रिकमेंडेड कीवर्ड। तो अब हम लोग को इसमें जो अच्छा लगे हम उस पर क्लिक कर सकते हैं, जैसे यूट्यूब ग्रोथ टिप्स पे हम कर सकते हैं, YT स्टूडियो न्यू अपडेट कर सकते हैं, हैशटैग लगा के टेक्निकल मिर्जा ग्रुप कर सकते हैं। फिर ये यहाँ पे आपको देख रहा होगा ना SEO स्कोर, ये जो ऐप है ये आपको SEO स्कोर भी दिखाता है कि आपका SEO स्कोर कितना हो गया है। तो अब हम इसको करेंगे, जैसे तीन तीन लगाने के बाद क्या होता है ना, इसको पब्लिश करते हैं तो ये थोड़ा थोड़ा चेंज होते चले जाते हैं। देखो पब्लिश चेंज टू योर वीडियो, पब्लिश कर दिए। अभी ये वहाँ से इसका कोई सिस्टम नहीं है, अगर आप सोच रहे होंगे कि हमारी वीडियो पब्लिक हो गई वहाँ से कोई मतलब नहीं है। अभी आप देखोगे SEO हो गया 44%। अब हमें नीचे जैसे हमने पब्लिक किया तो फिर और ऑप्शन मिल गए, जैसे YT स्टूडियो न्यू अपडेट 2023, हम इसको भी ओके कर देते हैं। YT स्टूडियो कैसे करें ये हमें कोई मतलब नहीं है। यूट्यूब न्यू अपडेट ये कर देते हैं, फिर से हम लोग कर देते हैं इसको अपडेट, यहाँ से मतलब पब्लिश कर देते हैं। जैसे भी आपने देखा था हमारा 44 था, तो दोस्तों जैसे भी हमारा SEO स्कोर हो गया 44%। अब इसमें नीचे जैसे हमने ये ऑप्शन लगाया ना टैग्स, उसके बाद हम लोग को नीचे फिर से ऑप्शन मिल गया यूट्यूब न्यू अपडेट टूडे, हम टूडे वाला भी कर देते हैं। यूट्यूब न्यू अपडेट फ्यूचर्स, इससे हमें कोई काम नहीं है। अब अगर हम अपने मन में, जैसे हमारे मन में कोई कीवर्ड है जो हम लोग इस पर लगाना चाहते हैं, हम इस पर वो भी लगा सकते हैं, जैसे वट इज
न्यू रूल्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। अगर हम चाहें हम ये भी लगा सकते हैं, जैसे ये आगे हमने सर्च किया उसके बाद इससे हमें थोड़े से मिलते जुलते से और भी दिखा देगा, बट इज न्यू रूल्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट ये आ गया। अब हम इसको चेक करना चाहें ये भी देखो यहाँ टैक्स में ऐड हो गया, हम इसको भी पब्लिश कर सकते हैं फिर से। अब अगर हम इसमें और अपने मन से लगाना चाहें, हमें कुछ नहीं सिंपली इस पे करना है सर्च कीवर्ड्स पे, जैसे यूट्यूब के लिए यूट्यूबर्स के लिए न्यू अपडेट क्या है, ये भी कर सकते हैं। फिर यहाँ से किया, फिर से इसको ऐड सेलेक्ट कर दिया, उसके बाद फिर और कुछ सर्च कर सकते हैं जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने यूट्यूबर के ऊपर कितने का फाइन लगाया। हमें से भी क्योंकि सब लोग तो एक तरह से सर्च नहीं कर सकते हैं, अलग अलग सर्च करेंगे, हम इसको भी इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर अभी हम कर देते हैं इसको पब्लिश, तो अब आप देख पा रहे होंगे जो हमारा SEO स्कोर है वो 44 से बढ़ के हो गया 46%। और अभी हम इसमें और भी कीवर्ड लगा सकते हैं, क्योंकि अभी इसने जब हमारे 500 वर्ड पूरे हो जाएंगे तो हमें खुद ही बता देगा कि अब आप इससे ज़्यादा नहीं लगा सकते हो। अब हम इसमें और भी लगाते हैं, जैसे गवर्नमेंट ने यानी कि ज़्यादा तो जैसे मोदी जी ने यूट्यूबर के ऊपर फाइन क्यों लगाया, ये भी सर्च कर सकते हैं और इसको फिर पब्लिश करेंगे। देखो जैसे भी हमने इसको पब्लिश किया तो यहाँ पे हमें दूसरे और कीवर्ड मिल गए, लेकिन हमें ये भी कीवर्ड हमारे काम के नहीं है, लेकिन हम इसमें से एक चाहे तो लगा सकते हैं, यूट्यूब न्यू अपडेट 2023 हमने इसको लगाया। अब हमारा SEO स्कोर हो गया 48%, तो 48% हो गया, अभी भी हम इसमें और कीवर्ड लगा सकते हैं। अब कीवर्ड में हम लोग कुछ भी, जैसे मैंने आपको बताया आपके मन में अगर कुछ है आप वो लगा दो, अगर आपके मन में नहीं कुछ है आप इसी में से उठा के लगा दो, जब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अभी मैं लगा देता हूँ YT स्टूडियो, खाली मैं इतना सा लगा देता हूँ तो आ गया YT स्टूडियो हो गया, YouTube बेस्ट पिक्चर्स हो गई, YouTube अपडेट हो गया, YouTube क्रिएटर्स हो गया, ये हो गया। देखो अब ये रेड वाला आ गया ऊपर में, तो अब हमारे जो कीवर्ड हैं वो पूरे हो गए, अब हमें इससे ज़्यादा कीवर्ड नहीं लगा सकते। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से ये पब्लिश तो हुआ हुआ है पहले से ही, तो अब हम चले जाते हैं कि ये देख लेते हैं, ये भी पूरा है, फुल हो चुका है। अब हम चले जाते हैं यहाँ से बेक, अब हमारा यहाँ का काम भी ख़त्म हो गया। अब हम आ जाते हैं वापस से अपनी YT स्टूडियो में। अब आप जैसे देख पा रहे होंगे यहाँ से हमारी वीडियो जो है अब हम उसको पब्लिक कर सकते हैं, जैसे नो व्यूज़ अभी आप देख रहे होंगे अनलिस्टेड है, और इसके बाद में हमारा जो डॉलर का वो है। अब आप इसको एक टाइम अपना सेट कर लीजिए कि आपको किस टाइम, आपके जो सब्सक्राइबर हैं वो ऑनलाइन रहते हैं वो किस टाइम रहते हैं, आप एक टाइम नोट कीजिए कि आपको किस टाइम पे वीडियो पब्लिक करनी है। आप अनलिस्टेड करके किसी भी टाइम रख सकते हैं, लेकिन आपको पब्लिक उसी टाइम करनी चाहिए जब आपको लगे कि आपके सब्सक्राइबर इस टाइम ज़्यादा ऑनलाइन रहते हैं। वो शाम का भी टाइम हो सकता है, वो मॉर्निंग का टाइम हो सकता है, वो लंच का टाइम हो सकता है, तो आप किसी भी ऐसे टाइम पे वीडियो को पब्लिश करें जिससे कि आपकी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस टाइम देख पाएं। ऐसा ना हो कि आपने वीडियो अपलोड कर दी 9 बजे और 9 बजे सब लोग ड्यूटी चले जाते हैं, कोई देख ही नहीं रहा है आपकी वीडियो, जो आपके सब्सक्राइबर हैं वो भी नहीं देख रहे हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट पड़ेगा। तो आप एक टाइम चूज करके रखिए। आप एक ऐसा भी कर सकते हैं, बड़े यूट्यूबर्स को देखें कि वो कितने बजे अपनी वीडियो को पब्लिश करते हैं, तो उसी के आसपास आप भी पब्लिश करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई हो। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो और आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह नए टॉपिक पर, जब तक के लिए जय हिंद।